नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ठाणे में एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। अब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड यानी कि हर चीज में होना, एंग्जाइटी यानी घबराहट और डिसऑर्डर यानी बीमारी। तो हर चीज में जिसको घबराहट होती है और जिसकी वजह से बीमारी होती है उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में दिखता है। अब एंग्जाइटी होना यानी देखिए कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, उठते से ही हमारे दिमाग में चीजें शुरू हो जाती है कि क्या मैं टाइम पे ऑफिस पहुंचूंगा या नहीं, या फिर मुझे टिफिन मेरा बनेगा या नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट में रिक्शा बस या ट्रेन टाइम पे मिलेंगी नहीं, टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, अगर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा तो बॉस क्या कहेगा, या फिर मेरा प्रेजेंटेशन है कैसा होगा, कुछ डिफिकल्ट टास्क ऑफिस में नहीं होने चाहिए नहीं तो और टेंशन बढ़ेगी, घर पे आने के बाद बच्चों का टेंशन, स्कूल में क्या हो गया है उसका टेंशन, हर चीज में टेंशन कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और ये टेंशन ले लेके हमें घबराहट शुरू होती है और घबराहट होके हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। अब ये घबराहट जो है, ये घबराहट हमें पूरी तरह पता होता है कि ये घबराहट में कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है, लेकिन फिर भी हम सोच सोच के इस पे टेंशन ले लेके हमें घबराहट शुरू हो जाती है। अब अगर हम दिन में ये घबराहट होता रहे तो फिर उसकी वजह से और भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, अगर कोई भी कुछ कह दे, कोई भी हमारे मन के विरुद्ध कर दे तो हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, और ये घबराहट की वजह से हमारा ध्यान भी नहीं रहता, सामने लोग, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारा किसी पे भी ध्यान नहीं रहता, हम अपने ही विचारों में रहते हैं, उसकी वजह से अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम होता है और फिर कॉन्फिडेंस इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता खुद पे, फिर निगेटिविटी होती है कि हमें कोई भी कुछ चीज करना है तो निगेटिविटी पहले आ जाती है, और ये सब की वजह से फिर मेंटल एग्जॉशन यानी फटीग लगना, टायर्डनेस लगना, और फिर उसकी वजह से नींद भी नहीं आती, अगर हम सोने भी जाए तो भी हमारे दिमाग में वही चीजें चलती रहती है। अब जनरली ये अगर 6 महीने या उससे ऊपर हमको अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें इसके बारे में जरूर सोच विचार करके ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है लोगों में कि ट्रीटमेंट क्यों ले, यानी जरूरी है क्या, या फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है क्या। तो अभी इसका ऐसा रूल है कि अगर आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से अगर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है या मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें जरूर इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अब इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, तो साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद अगर साइकियाट्रिस्ट को लगे कि पर्टिकुलर चीज हमें जो जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन या फिर आपके जो भी लक्षण हैं उनके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके साथ अगर जरूरत है तो थेरेपीज है कुछ, जैसे रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, काउंसिलिंग सेशंस, अगर हम ये सब चीज करें तो हमें ये प्रॉब्लम से निकलने में मदद होगी। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो हमारे हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा हॉस्पिटल का नंबर है
99757 268 36. नमस्ते.